एक तरफ जहां मिजोरम सरकार यह दावा कर रही है कि असम में एनआरसी का फाइनल मसौदा प्रकाशित होने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, वहीं मिजो जिला पॉल ने बगैर आईएलपी के कुछ गैर जनजाति लोगों को पकड़ने का दावा किया है। इन लोगों का असम के एनआरसी में भी नाम नहीं है। एमजेडपी के अध्यक्ष एंड्रू के मुताबिक जब से उन्होंने वेरेंगेटी में तलाशी चौकियां बिठाई है अब तक बगैर आईएलपी और एनआरसी के 16 गैर जनजाति लोगों को पकड़ा है। उनका कहना है कि खास तौर से करीमगंज और सिलचर से प्रवेश करने वाले लोगों की धरपकड़ हुई है। शिलांग के थाना रोड में 100 साल पुराना ओपेरा हॉल आज भी उस समय के सुनहरे पलों की याद दिलाता है जब यहाँ मैकबेथ, राजा हरिश्चंद्र, अभिजान जैसे दुनिया के प्रसिद्ध नाटकों का मंचन हुआ था। इस ओपेरा हॉल को स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1918 में शिलांग हिंदू धर्म सभा ने बनाया था। अक्सर इस ओपेरा हॉल में उस समय स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाते नाटकों का मंचन हुआ करता था और महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, उदय शंकर, पंडित रविशंकर आदि इस ओपेरा हॉल में शिरकत करते थे। मंजुश्री मजलिश शीर्षक नाटक से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मेघालय के महान नाट्यकार अफजल हुसैन इस थिएटर के उत्थान और पतन दोनों के गवाह रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ ओपेरा हॉल डेट्स बैक टू 1918 एक्चुअली इन शिलांग व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड असम दैट टाइम Government with the help of the then government, one architect, British architect, he designed Opera Hall in a beautifully, beautifully, acoustically sound construction. And Opera Hall was built in 1918. As time passed on, most of the dramatic activities and all cultural activities started assembling in Opera Hall. That time, male used to act in the role of female because that time females were not allowed to take part in the drama. After that, so many dramatical parties established, Manjushri Majlish, Sharothi, AG Office, Sapta, Oru, Chirashubh Sangha, etc. And most popular historical dramas were Siraj Dulla, Tipu Sultan, Shah Jahan, Abhijan, etc. सिक्किम में पर्यटकों के लिए कई आकर्षक स्थल है। इनमें से एक दक्षिण सिक्किम का टेमी चाय बागान है जिसके बारे में पर्यटकों को अभी भी खास जानकारी नहीं है। यह एक जैविक चाय बागान है। 1960 में बना यह टेमी चाय बागान 376 हेक्टेयर इलाके में फैला हुआ है। यहाँ एडवेंचरस राइड में भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारे एरिया तिमिटी में हूँ और जहाँ पे हमारे यहाँ युगों से टीमिटी के लेबर लोग टोकरी लेकर सिर्फ पत्ती टिपता था, तो लेकिन जब से मेरा इस टीमिटी में मैडम मिलानी श्रीवास्तव एमडी बन के आया, उसी वक्त से अभी हम लोग मल्टी प्रपोज इंडस्ट्रियल प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं, टूरिज्म इको टूरिज्म शुरू कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग हो गई और जिप लाइन हो गया, ये अभी वॉन्डर्स मोटरसाइकिल कैंप इधर लग रहा है और जो टूरिज्म के ऊपर काम हो रहा है ये तो बहुत सुंदर काम हो रहा है। जिस तरीका का आज का मौसम है उसी माफिक हमारा टीमी टूरिज्म भी अच्छे बने जा रहा है दिन प्रतिदिन। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा
इधर का बच्चे लोग जो भी पढ़ा लिखा है क्लास 12 प्लस 2 और उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया हो, इन लोगों सारे बच्चे को कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ट्रेनिंग के हम लोग प्रयोजन करके काम कर रहे हैं, जिसमें बर्ड वॉचिंग हो गया, ये पैराग्लाइडिंग हो गया, ये दूसरा माउंटेन बाइकिंग के केस में हो गया, और यहाँ से ऊपर थोड़ा ऊपर जाने से हमारा ट्रेनिंग एक रीज है, पहाड़ है, उसमें भी हम लोग माउंटेन बाइक ले जाने के रास्ता हम लोग बना रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और साथ साथ में इसको हम पूरा फॉरेस्ट एरिया को बाउंड्री करके सामान्य मुख्यमंत्री महोदय पवन चामलिंग जी ने जिस बात यहाँ पे बताया है कि इस जंगल को पूरा घेर के रखना चाहिए और वन्य प्राणी जो भी हो इसके अंदर ही होना चाहिए, वहाँ पे इसका जो दूसरे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इको फ्रेंडली इको टूरिज्म और जंगली प्राणी लोग को भी सुरक्षा के देना चाहिए, इसी बात से मद्देनजर करते हुए हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं। सिक्किम की प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। सीसी बुलेट बाइक पर 70 दिन में भारत के सभी राज्यों की राजधानियों के सफर पर निकली दो युवतियां आज सुबह धर्मनगर पहुंची। इनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेलमेट के परिधान के प्रति जागरूकता फैलाना है और इनका नारा है वन इंडिया ग्रेट इंडिया। एलवी जॉली और हर्षा मिश्रा नामक दोनों युवतियां क्रमशः गुजरात और बिहार से है। रोल लखनऊ ने इनके इस सफर को स्पॉन्सर किया है और अब तक दोनों युवतियां 9 राज्यों का सफर तय कर चुकी है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के बाद अब ये दोनों युवतियां मेघालय के सफर पर निकल पड़ी हैं। एंड द मेन मोटो बिहाइंड दिस एक्सपेडिशन वी हैव 3 सोशल कॉज, that is women are safe in India, and the other is wear helmet and one India and great India. We are also traveling this for Sana Iqbal ma'am. She is a rider, she was a rider, she have been into a riding, so she carrying forward her message that is suicide is not a solution. That's also our motto behind this expedition. We have started our this expedition from Lucknow, and she is Harsha Mishra from Bihar, Patna, and she is 18 years.